हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। तो यार कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, यहाँ पे ना आप देख सकते हो मेरे पास कितने बड़े बड़े चीज़ें आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे इलीगल चीज़ें, और गाइस बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स आ चुके हैं। तो आपको पता नहीं है मेरे पास कैसे आए। तो यार चलो, मैं आपको लास्ट एपिसोड में लेके चले जाता हूँ गाइस। तो यार लास्ट एपिसोड में ना गाइस हम लोग ने बहुत कुछ किया, मतलब हमने मिलिट्री में से जाके एक जेट प्लेन चुराया, और उस जेट प्लेन हमारा जो दुश्मन है मार्टिन, उसके बेस पे जाके ना सब कुछ तहस नहस कर दिया, क्योंकि हमको उसको वीक करना था, मतलब उसे ना बिल्कुल ही कमज़ोर करना था। हर चीज़ उसकी डिस्ट्रॉय कर दी है, इतने बड़े बड़े चीज़ें थे ना भाई, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब तक गिरा दिया भाई साहब। फिर क्या गाइस, उसकी हर चीज़ तबाह करने के बाद ना भाई साहब हम लोग को चैन नहीं आया। फिर हम लोग चले गए एंड उसके जो उसका बिजनेस है ना भाई, भाई जहाँ पे वो गोल्ड पिघला के बेचता है इलीगल चीज़ें, मतलब यही वाला एरिया, तो भाई उस पर भी मैंने रेड कर दिया और वहाँ पे मैं फंस जाता हूँ। बट हमारी AI सिक्योरिटी आ जाती है, फिर भाई उसको फटाक से ना भाई भगा देती है। एंड गाइस यही था, आगे देखते हैं अब आगे का क्या सीन है। सो गाइस अभी ना यहाँ पे आप देख सकते हो यार, इस जो ये लड़की जो दिख रही है ना, उसको मैंने मारा नहीं है, क्योंकि उसको सब पता है क्या क्या सीन है एंड क्या नहीं। क्योंकि ना इसने बोला है कि देखो मुझे मत मारो, मैं तो सिर्फ सीधी सीधा वर्कर हूँ। सो यार इसने भी सही कहा, ये सीधी सीधा वर्कर है ना, इसको हम लोग मारेंगे नहीं। सो यार इसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकती हूँ, मतलब ये जो बनकर है ना सीक्रेट माइन, इसमें गोल्ड भरा पड़ा है भाई साहब, बहुत कुछ है इसमें। तो इसने बोला है कि यार देखो ठीक है, मैं बोला यार कोई बात नहीं, इसको नहीं मारेंगे। सो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो का लाइक टारगेट होने वाला है 1000 लाइक्स। आप लोग कंप्लीट नहीं करा रहे हो, मैं देख रहा हूँ यार बहुत दिनों से, तो यार लाइक करो और पूरा वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस यहाँ पे ना मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, यहाँ पे देखो नीचे देखो कितना सारा पैसा मिला है, कसम से यार ये मार्टिन को ना हम लोग ने गाइस कसम से उसको उसकी औकात दिखा दी, मतलब अब ना भाई उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना उसके पास आर्मी है, ना व्हीकल्स है, ना कुछ बिजनेस करने के लिए कुछ, मतलब अब उसके अकाउंट में जितना पैसा है ना सिर्फ उतना ही होगा अब उसका, मतलब समझ रहे हो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सो यार ये लॉकर में भी पैसे है, बट हमको इधर हैकर बुला के ना सब कुछ हैक वगैरह करना होगा, अभी तो मैं इतना कर नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे ना भाई देख सकते हो यार कितना सारा सोना भी है और कुछ पैसा ना भाई ऐसा पड़ा जैसे कागजा है। तो यार चलो फटाफट से ना ऊपर चलते हैं। और ये जो बनकर है ना गाइस, आप लोग से मैंने पूछा था इसको उड़ाना है कि नहीं, आप लोग ने बोला भाई मत उड़ाओ भाई, बढ़िया चीज़ें आप खुद रख लो। सो यार मैंने भी सोचा है कि यार ठीक है ना यार, बढ़िया चीज़ें इसको रख लेते हैं। और चलो यार यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े गाइस खतरनाक चीज़ें, मतलब देख रहे हो न्यूक्लियर वेपन्स है जिसको ना हम लोग किसी के ऊपर भी डाल सकते हैं। सो ये कह रही कि देखो हम लोग ना कल से काम स्टार्ट कर देंगे, जो भी गोल्ड है ना अवेलेबल इधर पिघलाने का। तो यार ये अच्छी बात है, मतलब देख रहे हो ना भाई ये गोल्ड की गन तक बना रहे हैं भाई साहब, देख रहे हो यार गाइस मजा आ गया। अगर हम लोग ने ये वाला बिजनेस शुरू कर दिया ना, मतलब देख रहे हो, बस प्रेसिडेंट को ना पता चल जाए कि मैं इधर काम करता हूँ, क्योंकि ना प्रेसिडेंट अपना फ्रेंड है भाई साहब, बढ़िया वाला गाइस। मैं नहीं चाहता कि यार उसको पता चल जाए कि मैं इलीगल काम कर रहा हूँ। सो कोई ना, अपन लोग मास्क पहन के काम करेंगे। और गाइस ये बहुत बड़ी गाइस, मतलब क्या ही बोलूँ, इसको बनकर बोलूँ या हवेली बोलूँ गाइस क्या ही बोलूँ, मतलब पूरा ही अंडरग्राउंड बनाया हुआ है देख रहे हो, मतलब यहाँ से ना भाई सोना भी निकाल रहे हैं, हर चीज़ है भाई, पैसा वगैरह भाई हर चीज़ है गजब से गाइस। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख रहे हो खदान भी है भाई साहब, पता नहीं सोना भी निकाल रहा है, ये क्या बनता है मार्टिन। अब ना इसकी पूरी तरह बैंड बच चुकी है, अभी ना मेरी AI सिक्योरिटी, आपको याद है पिछले एपिसोड में भाई AI सिक्योरिटी ना भाई सबको तबाह कर दिया था, बट मैंने उसको अभी कहा है, मतलब AI सिक्योरिटी की मतलब चार्जिंग खत्म हो गई थी। सो गाइस उसको ना अभी चार्ज करने के लिए भेज दिया गया है। और ये रूम देखो गाइस, ये ना यहाँ पर बैठ के ना सारी प्लानिंग करता है, देख रहे हो गाइस, ये देखो हमारे घर के पास ही इस बंदे ने क्या क्या मार्क किए, देख रहे हो ना गाइस, पूरा लॉस सैंटोस का भाई हर नक्शा है उसके पास। और ये इधर बैठ के ना साला प्लानिंग करता है, वही बोलूँ इतना चालाक बंदा कैसा, आप इसने देखा होगा भाई, इसने इस बंदे ने अपने को इतना परेशान किया भाई, डगन बॉस का ये बंदा है मार्टिन, मतलब ये आप अगर मेरा शुरू से एपिसोड देख रहे हो तो गाइस आपको याद होगा ये मार्टिन है कौन। गाइस इतना खतरनाक बंदा है ना भाई, भाई डगन से भी खतरनाक है। और देख रहे हो कितने सारे वेपन्स ये बंदा पता नहीं क्या करता है, मुझे खुद नहीं पता भाई इतना सारा है ना इसके पास। सो गाइस कोई बात नहीं, यहाँ पे देख रहे हो कौन कौन से गन है भाई साहब, मशीन गन है भाई साहब, ये देखो भाई एमओ वगैरह ना हर चीज़ लगी हुई है, गजब है गाइस, लैपटॉप वगैरह भी। और इधर ना कुछ शूटिंग एरिया है, यहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस करते हैं गाइस, बट कोई बात नहीं, माइकल के सामने भाई सब खुश है भाई, कोई बात नहीं यार, चलो फटाफट से अभी दिखते हैं। एंड भाई ये वाला ना माइंड अपने पास हो चुका है, अपन लोग भी ये वाला बिजनेस शुरू करेंगे, वैसे अपने पास शोरूम तो अवेलेबल है। सो कोई बात नहीं, अपना शोरूम भी बढ़िया चल रहा है, शोरूम में भी गया नहीं यार बहुत दिन से ना, मैं शोरूम गया नहीं गाइस, तो मेरे को जाना पड़ेगा,
कोई बात नहीं, आज नहीं जाएंगे अभी, आज ना बहुत काम करना है, क्योंकि आज अपने को चैप्टर क्लोज करना है हमारा गाइस विलन मतलब हमारा इनेमी मार्टिन, फिर उसके बाद डगन बॉस का भी नंबर लगाना है, क्योंकि डगन बॉस पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है भाई, पता नहीं यार उसकी फटी पड़ी है, उसको लग रहा है मार्टिन मेरे को मार देगा। चलो ये फटाफट से बैठ दो मॉन्स्टर सिक्योरिटी, यार ये लोग मेरे साथ इधर आए थे। और टॉमी को पता नहीं गाइस मैंने ये वाला बनकर, उसको लग रहा है मैंने टॉमी को बोला था कि यार ये जो बनकर है ना मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, आपको याद है अपनी जो गैंग है ना रेड गैंग जो स्कल का बंदा है और ये टॉमी, ये दोनों को मैंने बोला है कि उन्होंने मुझे कहा था कि देखो इसको ना ब्लास्ट कर दो, बट मैंने ब्लास्ट नहीं किया। सो यार चलो फाइनली ना भाई मैं आ चुका हूँ अभी गैंग बेस पे, ठीक है गैंग बेस से मेरे को आना था, क्योंकि अभी आज का प्लान क्या है मुझे खुद नहीं पता गाइस, मतलब आज मार्टिन का गेम ओवर है तो अभी मेरे को लोकेशन वोकेशन तो पता नहीं यार, आई डोंट नो लोकेशन क्या होंगी गाइस, क्योंकि ना वो बंदा भाई भाग चुका था भाई साहब, पता नहीं यार गंदा वाला सीन था। कोई बात नहीं, और एक सेकंड ये कौन सी सिक्योरिटी लगा दी यार इसने, मतलब इसके पास सिक्योरिटी तो नहीं है भाई, ये गैंग के बंदे हैं और ये गैंग वालों को लग रहा है इससे नए कपड़े दिलवा दिए भाई साहब, भाई इसको ना भाई ज़्यादा ही पैसा हो गया इसके पास, आपको देख रहे होंगे ये बंदा YCT से आया इधर एंड YCT से लॉस सैंटोस में, भाई इतने जल्दी इतना मतलब सब चीज़ इस बंदे ने हासिल कर ली, देख रहे हो टॉमी और रेड स्कल जो बंदा है ना गैंग का लीडर, और ये कौन है गाइस, एक सेकंड ये इससे बातचीत करता हूँ एंड पूछते ना क्या सीन है, और गाइस मुझे नहीं पता इससे बातचीत करनी पड़ेगी। सो ऑल राइट गाइस ये कह रहा है कि देखो ये हैकर है और इसने ना मार्टिन की लोकेशन निकाल दी है एंड तुमको ना भेज देंगे गाइस, कोई बात नहीं गाइस यार मेरे को ना पता चल गया, ये कह रहे कि देखो अभी मार्टिन ना डील करने वाला है, मतलब देखो अभी उसके पास ना हमने सब कुछ तो छीन लिया है, अभी वो डील करने जा रहा है मतलब गन वगैरह की, मतलब उसके पास अभी गन वगैरह तो नहीं है ना क्योंकि उसका जो माइन है वो हमारे पास है। सो गाइस वो ना अभी डील करने जा रहा है तो फटाफट से ना हम लोग को वो डिस्ट्रॉय करना है, मतलब वो डील को कैंसिल करना है फिर उसको जाके मार देंगे, मतलब वो अभी ना उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब गन वगैरह कुछ भी नहीं, ना ही उसके पास सोल्जर्स वगैरह है, ना ही कोई मतलब कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना। तो गाइस फटाफट से यही देख रहे हो कितने सारे इसके पास भाई हेलीकॉप्टर है एंड टैंक वगैरह गाइस, और ये न्यू सिक्योरिटी देख रहे हो भाई नए नए कपड़े यार, पता नहीं यार क्या क्या लगवा दिया इसने। तो चलो यार फटाफट से ना ये देख रहे हो कितने सारे भाई इसके पास गाइस, गजब है यार गाइस गजब भाई, इतने सारे हेलीकॉप्टर्स एंड भाई साहब देख रहे हो ना ये क्या क्या ला लिया भाई रेड स्केल लीडर ने भाई साहब, भाई बहुत ज़्यादा ही पैसा हो गया भाई, अपने पास तक नहीं आया गाइस समझ रहे हो गाइस, अब अभी तक हम लोग ने इतने सारे खरीदे नहीं है मतलब जब से मैं लॉस सैंटोस में आया हूँ, बट कोई बात नहीं अपने पास इतना पैसा तो है वैसे मैं खरीद तो सकता हूँ, बट गाइस ये क्या सीन है भाई, इतने जल्दी सिर्फ 3 दिन के अंदर ही इस बंदे ने क्या क्या हासिल कर दिया कसम से यार। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो गाइस चैट पे लिख दो रेड स्कल रिच लिख दो, फिर जब पता चलेगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो गाइस, भाई ये रेड स्कल लीडर ना भाई खतरनाक है, उसका चेहरा का गाइस इसका चेहरा का आपको पता कहानी इसने मुझे बताई थी, ये कह रहा था कि इसका चेहरा ना मार्टिन ने ख़राब करा है इसलिए बंदा मास्क पहन के घूमता है क्योंकि इसका चेहरा बिल्कुल ही जला हुआ है। सो गाइस ये कह रहा है कि तुम देखो फटाफट से जाओ उसकी डील को कैंसिल कराओ उससे पहले वो हम पे अटैक करेगा, अब तो भाई वो अटैक तो छोड़ो भाई, अब तो भाई उसके पास ना भाई कपड़े खरीदने तक पैसे नहीं होंगे क्योंकि भाई उसका पूरा बिजनेस ही हमने फ्लॉप कर दिया है, और गाइस उसकी हर चीज़ उसका बेस ही डिस्ट्रॉय कर दिया भाई, न्यूक्लियर मिसाइल देगा भाई साहब तुम लोग ने गाइस, न्यूक्लियर मिसाइल से ना भाई साहब इतना गंदा अफेक्ट हुआ ना भाई साहब गाइस। सो फटाफट से चलो यार मॉन्स्टर सिक्योरिटी बैठ जाओ मेरे फॉर्च्यूनर में, और गाइस हम लोग को इधर से जाना पड़ेगा, और गाइस देखते ना गाइस कहाँ डील हो रही है, अभी जो लोकेशन दे दी हमको हैकर ने लोकेशन तो दे दिया है, अब देखना है कि अब क्या करता है, तो चलो फटाफट से ना आपको वहाँ पे लोकेशन मिलते हैं। ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे, और भाई ये जगह ना भाई सुमसाम लग रही है मुझे, एक सेकंड भाई आराम से भाई आवाज़ मत करना भाई पहचान लेंगे भाई, मॉन्स्टर सिक्योरिटी कह रहा है कि भाई पहचान ना ले भाई टेंशन ना ले, ये लोग बातचीत कर रहे हैं मुझे नहीं लगता ये पहचान पाएंगे, उधर देख मेरे को क्या देख रहा है यार, ये मेरे को देखने भी नहीं दे रहा है। सो गाइस ये देखो यहाँ पे ना इनकी डील हो रही है वगैरह वगैरह गन वगैरह की, और गाइस मुझे ना भाई देख के रहना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 ही आए भाई साहब, कोई बात नहीं हम लोग सिर्फ 4 ही है,
बट माइकल आपको पता है गाइस, माइकल किससे डरता नहीं है भाई, बजा देंगे सबकी भाई, कोई बात नहीं। पहले मेरे को देखना है, इधर मार्टिन किधर है भाई, मेरे को कुछ नहीं करना है, लेना देना कुछ नहीं भाई, मेरे को बस मारना है आज मार्टिन को। अगर आज मार्टिन नहीं मरता है तो मैं खुद को ही मार दूंगा गाइस, क्योंकि भाई ये बंदा मेरा 10-15 एपिसोड से मेरा दिमाग खराब कर चुका है। आप भी देख रहे हो और आप भी थक चुके हो यार, ये बंदा मरता क्यों नहीं यार, इतना पावरफुल बंदा है ना भाई, इसको मारते मारते मेरे थक चुका है अभी यार। मेरे को गाइस क्या क्या नहीं करना पड़ा, गैंग ज्वाइन करना पड़ा, वाई सिटी से जाके टॉमी से हेल्प नहीं पड़ी, फ्रैंकलिन ट्रेवर वगैरह वगैरह बहुत कुछ यार। अभी गाइस चलो यार, अभी ना फटाफट से अभी मैं देखता हूँ मार्टिन किधर है, मुझे बस मार्टिन को मारना यार, दूर से दिख गया ना भाई साले के, दूर से मार दूंगा। बट यार गाइस मेरा एक और काम है गाइस, ये रेड स्केल ने मेरे को बोला है कि इसको अभी मत मारना, उसको पकड़ के लाना है मेरे पास, लाओ फिर उसका वीडियो वगैरह कुछ बनाएंगे यार। कि रेड स्केल की बात मैं भूल गया था, अच्छा वो वरना इस साले को मार देता, बट मेरे को यही काम है कि उसको मारना है, बट मैं ही मारूंगा कोई बात नहीं। एक सेकंड यार, ये चीचा ये देख रहे हो, चीचा ना भाई इतनी उम्र में भाई सिगरेट पी रहे यार, भाई क्या कर रहे हो, हार्ट अटैक ना आ जाए चीचा तेरा, आराम से भाई, अभी भी सिगरेट ही पी रहा है भाई, छुप छुपा के, कोई बात नहीं। सो चलो यार फटाफट से ना, अभी एक सेकंड हम लोग थोड़ा आगे जाके देखते हैं भाई, मेरे को मार्टिन दिख जाए यार, बस अगर मार्टिन होगा तो भाई मैं करूँगा फाइट। बट यार ये गन की ना डील चल रही है, तो ये गन हमारे लिए ही ले रहा है, तो भाई मेरे को डील कैंसिल तो करनी पड़ेगी। बस इधर एक बार मेरे को मार्टिन मिल गया ना भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ भाई, इसकी भाई फोड़ के रख दूंगा भाई इधर, अब ना बहुत हो चुका है इसके पास, अभी इसके पास कुछ भी नहीं है भाई, गन वगैरह तो छोड़ो, उसके पास भाई मिलिट्री बेस तक, मतलब जो होता है ना उसके पास बड़े बड़े बेस भाई, मिसाइल वगैरह थे उसके पास, सब तो मेरे कब्जे में, मतलब बड़े बड़े गए टैंक वगैरह सब कुछ तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो चलो यार ये बस मेरे पे शक ना करते, मैं इधर थोड़ी सी गाड़ी रुकाता हूँ, एंड एक सेकंड भाई आराम से उतरो, आराम से उतरो, उसको पता ना चल जाए कि हम उसको देख रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे ना भाई साहब मेरे को इधर ब्लास्ट करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ मैं एनएसजी को कॉल लगाना पड़ेगा, एनएसजी को कॉल करता हूँ गाइस, फिर ना यहाँ पर एक उनको बोलता हूँ एक रॉकेट छोड़ दो यार फटाक से ना, एक ही बारी में बात खत्म करो, तो फटाफट से कॉल करते। ऑल राइट गाइस यहाँ पे ना एनएसजी को कॉल कर दिया है, और एनएसजी का हमारा हेलीकॉप्टर आता होगा, और इधर एक बढ़िया सा मिसाइल छोड़ देगा, और गाइस सब कुछ ख़त्म एक ही सेकंड में, तो जल्द लंबी वाली फाइट करनी नहीं पड़ेगी। सो चलो, सो ऑल राइट गाइस अब ना हम लोग को इंतज़ार है, बस हमारा एनएसजी का हेलीकॉप्टर अभी बहुत टाइम हो चुका है। ऑल राइट गाइस ये लो भाई, बोला और आ गया भाई, कितना वेट करवाया यार भाई, कब से वेट कर रहे थे, और फाइनली गाइस आ चुका है हमारा एनएसजी का हेलीकॉप्टर यार, पटाक से डाल दे भाई मिसाइल डाल दे, वरना भाई वो हमको देखना ले भाई, भाई वहाँ पे डील चल रही है, डायरेक्ट 3-4 मिसाइल डाल दो भाई, इनका गेम ही ख़त्म कर दो भाई, क्या बोलते, चल बेटा मैं आ रहा हूँ इधर, एंड भाई 1-2-3 और ये लो भाई गजब गाइस भैंस की यार, चल बेटे अब ना भाई कभी भी मीटिंग नहीं कर पाएगा बेटा भाई, यहाँ पर बस मार्टिन है साले का ना भाई, इसकी इतनी ज़्यादा बड़ी बॉडी ना साले की भाई, सब कुछ निकाल देता है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, वो पता नहीं यार आएगा कि नहीं। और यहाँ पे हमारे एनएसजी का हेलीकॉप्टर भाई, भाई गंदे वाले नाम मिसाइल डाल रहा है कसम से गाइस, क्या ही बोलूँ, और भाई इनका मीटिंग की तो भाई देख रहे हो ना गाइस, क्या सीन है भाई, इनका डील तो छोड़ो भाई, इनका बेचारों को भाई जो डील करने आया था वो भी मर गया, और जो भाई कर रहा था वो मतलब दोनों ही पार्टी के लोग मर चुके हैं। सो यार अभी मार्टिन का ना गाइस अभी बहुत गंदा वाला नाम तो खराब कर दिया हम लोग, अब जो भी भाई इससे मीटिंग करने है ना भाई कोई नहीं करने वाला है। और ये देखो भाई ये छपरी लोग यहाँ भाई अभी भी बैठा है भाई, इनके पास ये भाई के लोग मिसाइल डाल दो सालों पे भाई, कोई बात नहीं टेंशन मत लो भाई, सबकी पोल बोलेगा तुम्हारा भाई, सबको मारेगा भाई, हर एक बंदे को मारेगा, टेंशन नहीं लो भाई, टेंशन ना लो भाई, हर एक बंदे को फेलेगा। ये लो भाई हमारा एनएसजी भाई कम है क्या भाई, हमारी एनएसजी थोड़ी ना किसी से कम है गाइस, एनएसजी ओपी लगा दो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो गाइस, एनएसजी का पावर आज देखेंगे, क्योंकि हम लोग ने बहुत दिनों से हमारी एनएसजी सिक्योरिटी को नहीं लिया यार, मॉन्स्टर को यूज़ किया, एआई को यूज़ किया, बट एनएसजी वालों को तो हम भूल ही गए थे, इसलिए मैंने आज एनएसजी वालों को कॉल कर दिया हूँ। और अगली वाली हमको सिक्योरिटी कौन सी लेनी है बोल दो गाइस, क्योंकि अभी मेरे एनएसजी के कुछ लोग मरे, मतलब इंसान है यार, आप लोग बोलते हो एनएसजी के कुछ मरते नहीं है भाई साहब, देखो यार एसपीजी हो या एनएसजी हो भाई, इंसान इंसान होता है ठीक है ना। सो यार चलो फटाफट सबको मारते हैं भाई, सबको मर गए, और भाई की बहस किया गया, एंड भाई साहब सब नाम मर चुके हैं, अभी कोई बचा नहीं है, और फटाफट से अभी और भी एक हो या कोई और भी है क्या, आ जाओ भाई सबको पेल देंगे, आ जाओ जिसको भी आना है आ जाओ कोई बात नहीं। एक सेकंड मेरा आरपीजी का आ गया यार, एक सेकंड ये ले भाई, हेलीकॉप्टर आया कैसे भाई, सब कुछ तोड़ा दिया था भाई, एक सेकंड भाई बचना पड़ेगा, आराम से भाई,
यार सबको तो उड़ा दिया था यार, ये कहाँ से आ गए पता नहीं यार, ये क्या सीन है भाई साहब, मुझे समझ नहीं आया भाई। हमने तो जेट प्लेन से न्यूक्लियर बॉम्ब भाई सब कुछ लगता है ना यार, कुछ भी नहीं बचा था यार वहाँ पर तो भाई, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दिया था मैंने भाई। न्यूक्लियर मिसाइल से कोई कैसे बच सकता है भाई, हर चीज़ वहाँ पर थी ना भाई, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट चलो यार अभी ना एक सेकंड, ये भैंस के आगे हेलीकॉप्टर वाला अपना ही है क्या? ओ एक सेकंड, अपना तो नहीं है ना ये? चलो अपना नहीं, मुझे लगा भाई यहाँ पर ना, मुझे लगा अपना ही है। चलो यार थैंक गॉड अपना नहीं है गाइस, एंड फटाफट से सबको मार देंगे। और कोई है क्या? आ जा बेटा तू भी आ जा साला, ये देख रहा भाई इसकी आप भाई ब्लैक कमांडो लेके आ गया फिर से भाई, ब्लैक कमांडो की इज्जत दोबारा आएगा इस कसम से। इस बंदे ने ब्लैक कमांडो खरीद लिया, पता नहीं गाइस क्या क्या खरीदा है और क्या ही बोलूँ। और ये देखो भाई एयर डिफेंस ला लिया भाई, मैं एयर डिफेंस अटैक तक नहीं कर रहा हूँ भाई, बस एक हेलीकॉप्टर के लिए इस बंदे ने पूरा ये ला लिया गाइस। चलो एक तो इसमें से मेरा है, एक मेरा कौन सा है भाई, मेरा है नहीं भाई, भाई मेरा हेलीकॉप्टर का आ गया भाई नीचे तो नहीं फूट गया ना यार गाइस, लग रहा है उसको डिस्ट्रॉय ना कर दिया हूँ यार गाइस, लगता है तीन चार एनएसजी के बंदे हमारे मर चुके होंगे। क्योंकि अरे यार भाई देखो अब इतने सारे आ गए एयर स्ट्राइक और मेरा सिर्फ एक ही था, कोई बात नहीं गाइस। अभी हम लोग बुलाने को क्या गाइस, 100 बुला सकते हैं बट हमको खरीदने का टाइम ही नहीं मिल रहा है गाइस। यार देखो पैसा इतना है ना भाई, बहुत पैसा है बट गाइस खरीदने का टाइम ही नहीं मिल रहा, आप समझो यार। अभी इतनी प्लानिंग वगैरह चल रही ना हमारी, आप देख ही रहोगे भाई मेरे, मैं शोरूम तक नहीं जा रहा हूँ गाइस, ना ही भाई मेरे जो पुराने वाले घर में आज लास्ट हुआ है वहाँ पे भी नहीं गया हूँ। कोई बात नहीं, अभी सब कुछ करेंगे अगले वाले वीडियो में, बस मेरे को आज मार्टिन का गेम ओवर करना है। ये ले साले कूदी ले भाई, मर नहीं रहे साले, फुल वेस्ट वगैरह पेन किया है कसम से भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गाइस और कोई है क्या भाई, और कोई है तो आ जाओ भाई, सब आ जाओ भाई। इसकी भैंस क्या की है, देखो हेलीकॉप्टर अभी भी चला ही रहे तेरी भैंस क्या, कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, सब कुछ लेके आया हूँ भाई मैं, सब कुछ भाई सब कुछ। ये ले तेरे लिए गिफ्ट, तू भी ले, और भाई तू भी एक, एंड तू भी एक। ये तो चल भाई दूर से आ रहा है भाई कसम से भाई, होमी लॉन्चर बोलते हैं, डायरेक्ट पीछे चल जाता है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक ना गाइस, ये देख रहे हो भाई डायरेक्ट पीछे चल जाता है ये। ये देख ये तो एक ही में जाएगा भाई, सब गया गाइस भाई, गया गाइस कसम से। अब साले की इसकी बारी, रुक जाओ रुक जाओ, और कोई है क्या, और कोई है क्या, वो भी आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको पहले गए, सबका पहले गए भाई, मार मार साले को भाई, मार मार ऊपर से भाई। अभी इनको यार आरपीजी देना पड़ेगा यार गाइस, तुम लोग आरपीजी लेके नहीं आए, कोई बात नहीं। अरे एक सेकंड छोटी गन निकल गई मेरे से, एक सेकंड यार, आरपीजी देने जा रहा हूँ, छोटी गन निकल जा रही है भाई। इतने सारे हेलीकॉप्टर आ कहाँ से रहे, इसकी भैंस की आग यार, लग रहा है ना अभी इसके पास अभी भी कुछ बचा है गाइस, बट कोई बात नहीं, अभी उसका गेम ओवर होगा भाई। आज कुछ भी हो जाए गेम ओवर करना है, मतलब करना, अगर गेम ओवर नहीं होता है ना मार्टिन का तो भाई मैं खुद मरूंगा। क्योंकि यार मैं रोज़ आके ना भाई इसको गाइस रोज़ इसको तबाह करने का भी सपने मेरे गाइस अब ना भाई। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना भाई पता नहीं इतने सारे कार आ चुके हैं यार, ये कार में है कौन यार मुझे नहीं पता यार, एक सेकंड, ये बुलेट प्रूफ कार है। ऑल राइट भाई ये देखो भाई क्या एनर्जी के बंदे ने क्या ही कमाल कर दिया, और हमारे मॉन्स्टर सिक्योरिटी भी है। एक सेकंड ये भाई ये मार्टिन है क्या, इसकी भैंस क्या, आराम से इसके पास हैटक यूपॉन है, इसके पास हैटक यूपॉन है भाई, देख के इसके पास हैटक यूपॉन है गाइस इसके पास है। अरे यार ये यार मार्टिन आ चुका, भी मार्टिन गेम ओवर करना है, एंड ये लोग यार ये लोग ही मेरे को परेशान कर रहे हैं यार। अभी ये लोग का भाई मैंने सब कुछ तो उड़ा दिया था ना वैसे यार, ये हेलीकॉप्टर्स आ कहाँ से रहे, लग रहा है डगर बॉस से इसने उधार लिया है, क्योंकि डगर बॉस इसका फ्रेंड भी है ना गाइस, तो यार मुझे लग रहा है डगर बॉस से इसकी मदद की होगी। वैसे ये साला ना भाई इसके पास कुछ भी नहीं बचा भाई, इसके पास कुछ भी नहीं बचा भाई, जीप जाने के तक पैसे नहीं साले के। चलो कोई बात नहीं, अब साले को उसकी औकात दिखाएंगे। अब इधर आ गया ना, अब इसको पकड़ता हूँ और इसका ना गेम ओवर करता हूँ। एक सेकंड, इसके पास हैटेक भी ऊपर है साले के पास, मेरे पास भी है बट मेरे को इसको मारना नहीं है यार, मेरे को उसको मारना नहीं है बस, मैं इसको मारता हूँ ना आरपीजी से, मेरे पास आरपीजी अवेलेबल है यार। एक सेकंड यार, मेरे पास आरपीजी तक अवेलेबल है बट इसको ना मैं टुकड़, एक सेकंड भाई यार एनएसजी का बंदा मर गया मेरा
यार गाइस ये कौन है यार इतना खतरनाक, एक सेकंड यार ये कौन इतना खतरनाक फायर कर रहा है भाई ये हेलीकॉप्टर में से। यार भाई वेस्ट की डैमेज हो गई है इन लोग की। यार एनएसजी वालों क्या यार तुम लोग गाइस, कोई बात नहीं यार, चलो यार फटाफट से ना और इनको भी दिखाते हैं कोई बात नहीं भाई देखो मेरे को, मेरे पास आरपीजी भी है बट मेरे को उसको ज़िंदा पकड़ना है, आप लोग को भूल गए होंगे आप लोग, मेरे को उसको ज़िंदा पकड़ना है। और ये इसकी फैस की यार भाई तू तो भाई क्या बोलो यार, ये क्या मिसाइल डाल रहा है मेरे को, रुकने देगा भाई यार ये तो, मैं तो ऐसे मर जाऊँगा ऐसे लग रहा है इस कसम से। एक सेकंड यार ये भाई मैंने सब कुछ पहना है भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है एक सेकंड भाई तेरे को ज़िंदा पकड़ना है भाई साहब, पता नहीं गाइस क्यों पकड़ना है बट चलो वो कह रहा है ना कुछ करेंगे इसको ज़िंदा पकड़ के। यार तूने तो कह दिया बट गाइस डील डील होती है, मतलब हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तीनों का दुश्मन एक ही है मार्टिन, तो गाइस काम करना बनता है और ज़िंदा पकड़ना है और प्रूफ देना है ज़िंदा ला कर। सो गाइस कोई ना, अभी तो उसके सारे बंदे मर गए वैसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, सारे के सारे तो मर चुके हैं, अब ये अकेला बचेगा ना, इसको पकड़ लेंगे साले को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बढ़िया सा प्लान है मेरे पास, एक बढ़िया सा प्लान तो है बट यार इसकी भैंस क्या है कि प्लान फेल करना, ये आ ही जा रहे हैं ना कसम से यार, क्या ही बोलूँ यार। एनएसजी वालों क्या कर रहे हो यार, फटाफट से ना पकड़ो इनको। और गाइस चलो यार अभी तो अभी भी और है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी भी ना, और इसको पकड़ेंगे। पता नहीं यार कहाँ गया ये एनएसजी, और कमांडो किधर गया भाई, भाई ये बंदा मार्टिन का आ गया। एक सेकंड छुप के बैठा है साले, रुक जा भाई, देख हार मान ले, अगर मेरी बात सुन रहा है तो हार मान ले, अभी बता रहा हूँ, देख हार मान ले, तेरे को मैं मारना नहीं चाहता हूँ, तू बस ना भाई हार मान ले, तेरे को बता रहा हूँ, अभी वार्निंग दे रहा हूँ भाई, तेरे को मारना नहीं। इसकी बहस किया जितना बोल रहा हूँ ज़्यादा कर रहा है, हाईटेक वेपन से फूट रहा है भाई। अरे एनएसजी वालों मारना मत इसको भाई, मारना है तो पैर पे गोली मारो बट इसको भाई मारना मत, ठीक है ना साले ने वेस्ट तो पहनी वैसे भी, कुछ हो नहीं रहा साले को, वेस्ट पहनी गए साले ने बट कोई बात नहीं, वेस्ट फुल वेस्ट पहना है अपने जैसे भाई साहब। भाई इसको मैं बोलने की ट्राई करता हूँ, देख भाई मेरी बात सुन, तेरे को मैं मारना नहीं चाहता हूँ भाई, देख बात करते हैं, मैं तेरे को मारना नहीं चाहता हूँ, मेरे साथ चल बस, और कुछ नहीं है। और ये इसके छपरी बंदे अभी भी पीछे से आ ही रहे, एनएसजी वालों तुम संभालो जब तक इससे बात करता हूँ। देख मार्टिन अभी भी तेरे पास टाइम है, अगर तू ऐसे ही करेगा ना भाई तेरे पे आरपीजी डाल दूंगा, सुन ले वरना भाई मरेगा तू एक दिन भाई, सुन ले, डगन के लिए काम करना छोड़ दे भाई, मेरे साथ काम कर दे। यार वो चला गया पीछे, इसकी भैंस की आग गाइस क्या ही बोलूँ यार, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा है भाई, मार रहा है भाई साहब, भाई इसको मारने में 2 मिनट ही लगेंगे बट गाइस जिंदा पकड़ना है गाइस, यही हमारा गाइस डील है। मतलब यार ये रेड स्कल वाला तू इधर आ जाता ना फाइट करने के लिए, वो बंदा गाइस सोच रहा होगा कि यार चलो कोई बात नहीं गाइस, हम लोग हमारी पावर दिखा देंगे गाइस फटाफट से ना। और गाइस भाई अभी भी बात नहीं सुन रहे, वो कह रहा है कि यार देख भाई फाइट करना है, मैं तेरे से इधर दोस्ती करने तो नहीं आया हूँ साले, मैं तेरे को मारने के लिए आया हूँ एंड तू मेरे से दोस्ती कर रहा है। भाई यार दोस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई, तेरे को उधर जाके पकड़ना है, उधर जाके हम लोग डिसाइड करना है मारने के लिए, भाई वो बंदा बच्चा तो है नहीं गाइस, तो यार सही बात है बट मैं भी यहाँ बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा हूँ, अभी वो डायरेक्ट मेरी बात को सुनने वाला तो है नहीं भाई, फुल वेस्ट पहनी है ज़्यादा, इतनी बॉडी बनाई ना, इतनी बॉडी बना के बैठा है, रुक जा। अरे यार ये छपरी पंचर लोग कहाँ से आ रहे हैं, इसको मारो ना एनएसजी वालों, क्या कर रहे हो, पंचर हो गया यार तुम लोग, मारो ना फटाफट से, तुम लोग अगर हाईटेक वेपन दिए तुम्हारे कहाँ गए यार। एक सेकंड इसकी भैंस की आग भाग रहा है, एक यार गाड़ी में बैठ के भाग रहा है छपरी, यार ये इसके चंपर लोग ना, यार तुम लोग संभालो एनएसजी वालों, मैं निकलता हूँ इधर से यार, तुमसे ना भाई एक चीज़ नहीं होती है कसम से भाई। पर ऊपर वाला हेलीकॉप्टर कहाँ गया मेरा पता नहीं यार, ये देखो भाई मेरी फॉर्च्यूनर के पीछे बैठ के अपना कमाल दिखा रहा है साल, निकल जल्दी से यार, फटाफट से पीछे करना पड़ेगा उसका, गेम ओवर करना है भाई, आज ही ओवर करना है यार, ये रेड स्कल बहुत हो गया तेरा, चल अब मैं नहीं सुन रहा तेरी बात, अब तेरे को जिंदा नहीं पकड़ने वाला मैं भाई, अब उसको डायरेक्ट मार दूंगा, छोड़ो यार गाइस रेड स्कल भाई जाने दे, अगर तू मेरा दुश्मन बनता है तो भाई जाने दे, कोई बात नहीं भाई, बट मेरे को उसको मारना है, तेरे चक्कर में मैं मर गया ना, मेरे कितने लोग मर गए यार कसम से, मेरे गाइस भाई 5 या 4 एनएसजी के लोग मर चुके हैं, और साले को मैं छोड़ने वाला नहीं होगा इस, यार दिमाग ख़राब कर दिया बिल्कुल ही
सो यार चलो फटाफट जना। और यहाँ से अभी इतने सारे रास्ते, वो गया कहाँ से भाई? एंड यहाँ से ट्रेन भी आ रही है भाई, राइट में गया, लेफ्ट में गया भाई। यार ये क्या हो रहा है गाइस? भाई साहब चलो यार, मेरे को लग रहा नहीं इधर से गया होगा गाइस, क्योंकि उधर से तो कोई रास्ता मेरे को लग ही नहीं रहा उधर से कोई होगा। सो चलो फटाफट से इधर से जाते हैं, और मेरे को लग रहा नहीं इधर ही गया होगा भाई। कि यार ही क्या ही बोलूँ, राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है, आई डोंट नो। बट चलो यार पीछे करते, क्या पता दिख जाए कोई, और गाइस जाके फॉलो कर देंगे। भाई क्या ही रास्ते है यार, कसम से लॉस सैंटोस में ना भाई क्या ही बोलूँ। ये देखो गाइस समझ नहीं आ रहा है, इन गाड़ी भी मेरे से चल नहीं रही, क्योंकि आपको पता है यार भाई जब बंदा हो जाता है ना दिमाग से गाइस ख़राब, तो भाई कुछ भी होता है। कोई बात नहीं गाइस, आज गेम ओवर करेंगे कुछ भी करके। तो यार अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, चैट पर लिख दो मैडनेस ओपी लिख दो गाइस, क्योंकि भाई पूरा ही दिमाग ख़राब हो चुका है, मैडनेस लिख दो। और चलो यार अभी ढूंढते यार इस बच्चे को और उसकी औकात दिखाते। अरे भाई देख रहे हो, फुल मैडनेस हो गई आज भाई, गलत लाइन पे गाड़ी चला रहा हूँ यार। अभी कोई ना राइट लेना पड़ेगा इधर से, एक सेकंड मेरे को दिख जाए बस इस भैंस की आँख, पता नहीं कहाँ गया। चलो यार फटाफट से ना कैसे भी इतने दूर तो आ गया हो, एक सेकंड मेरे को कार दिख रही है। यस, मैंने उसको ढूंढ लिया है भाई। सामने देखो अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इसकी भैंस की आग, अभी टक्कर देनी है उसको। ये देखो गोली चलता हूँ, एक सेकंड रुक जा तेरी भैंस की आग। अरे यार क्या गाड़ी चला रहा हूँ, फुल मैडनेस हो रही है मेरे साथ ही यार। कोई बात नहीं गाइस, भाई इतनी स्पीड है गाड़ी भगा रहा है, इसकी भैंस की आग। एक सेकंड ये क्या था, पता नहीं क्या था गाइस। चलो यार फटाफट एक सेकंड, अरे तेरी भैंस की आग, आरपीजी यार मेरी गाड़ी फोड़ दी यार, इसकी भैंस को नमन करूँ यार। ये कौन है भाई, ये तो साला उसी का बंदा है यार। गाइस मेरी फॉर्चुनर घोड़ दी, एक सेकंड अभी गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। गाड़ी ए रुक जा, छपरी। अरे साले यार कोई शरीफ बंदा है नहीं लॉस सैंटोस में यार। गाइस भाई यार आज ना गाइस फुल मैडनेस हो रही है यार, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है अब भाई। वो तो भाई पता नहीं सुपर कार भाई उसके पास, पता नहीं अभी तो कहाँ चला गया होगा अभी ना उसकी। यार एक काम करते गाइस, अब क्या ही काम करें, अभी उसकी लोकेशन हमें हैक करनी पड़ेगी। उसका नंबर तो मेरे को मिल गया वैसे, उसका नंबर तो हमें मिल चुका है वैसे गाइस, कोई बात नहीं। अभी एक काम करता हूँ, मेरे हैकर को ना कॉल करता हूँ एंड उसको बोलता हूँ। और एक सेकंड, ये एनएसजी के लोग भी आ चुके हैं, थोड़ा जल्दी आते ना यार तुम लोग। उधर के लोग को मार दिया क्या लग रहा है ना, उधर के लोग को मार दिया इन लोग ने भाई, बहुत लेट आए हो तुम लोग, बहुत जल्दी आए हो भाई। तुम्हारे मुँह में ना भाई बहुत बड़ा वाला भाई मिठाई का लड्डू होना चाहिए भाई, क्या ही बोलूँ यार, इतना लेट आते हो कसम से यार। गाइस आज एनएसजी ने भाई मेरे को निराश कर दिया, वरना हर बारी अच्छा काम करती है, बट यार गाइस आज ना मेरे को एनएसजी ने भाई ज़्यादा ही निराश किया। कोई बात नहीं, चलो यार फटाफट से ना मैं हैकर घर को कॉल करता हूँ और उसको बोलता हूँ फटाफट से तेरी गाड़ी लेके आ जा हैकर वाली, और फटाफट से बीच में मिल, टाइम बिल्कुल भी नहीं भाई, विदाउट मेकअप के आना है भाई, कैसे भी आ जा, जैसे वैसे आ जा भाई, क्योंकि वो आपको पता है वो हैकर नहीं है भाई, वो हैकर भी तो है गाइस बट भाई अजीब ही चलता है उसने, आपने देखा होगा। तो चलो फटाफट से ना हैकर गर्ल के पास जाते हैं और उसको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, डाटा वगैरह कॉल। ऑल राइट गाइस फाइनली ना भाई साहब हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे। भाई देखो मैंने उसको बोला था यार, हमारी जो हैकर गर्ल है ना उसको बोला रास्ते में गया था, एंड भाई देखो ये लोग यहाँ पे आ चुके थे। एंड चलो यार फटाफट से ना हम लोग बीच में आ गए, और फटाफट से ना भाई इसको मैं सारी की सारी डिटेल देता हूँ। एंड भाई पता नहीं गाइस क्या ये लोग मेरे को लग नहीं रहा कर पाएंगे। देखो मेरे को ना भी फटाफट से काम करना है, देखो आज के दिन जाना नहीं चाहिए भाई बेकार, क्योंकि ना भाई अगर ये वो भाग चला गया ना भाई कहीं और भाई पंगा हो जाएगा। सो यार इसने अपनी हैकर वाली भाई गाड़ी लेके आ चुकी है, और ये देखो यार ये जो कार भी पिंक करा रखी यार, इसने पिछली बारी भी कार पिंक थी और ये वाली कार भी पिंक है यार, इसको पिंक से ज़्यादा ही भाई लगता है ना गाइस प्यार है गाइस। चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने नंबर वगैरह सब कुछ दे दिया है और ये सब कुछ ना अंदर बैठ के सब कुछ करने वाली है। सो यार बहुत ही मज़ा आएगा, और यार फटाफट से ना गाइस हम लोग को गाइस मार्टिन का गेम ओवर करना है और उसकी लोकेशन निकालेंगे। तो यार चल तू ना फटाफट से बैठ जा और अपना काम शुरू कर दे। और गाइस ये कह रहे कि यार थोड़ा सा वेट लगेगा, मतलब तुम ना मेरे पीछे भी चलो, मैं ना मतलब गाड़ी चलेंगी सब कुछ चलेंगी, बस मेरे को ना तुम कनेक्ट रहना ब्लूटूथ से गाइस। मतलब चलो यार ये सही कहा यार, मतलब एकदम सही, मतलब ये ना चलते गाड़ी में काम करने वाली, जो कि हम लोग को टाइम पास नहीं होगा यार, ठीक है यार बहुत सही कहा। सो चल फटाफट से ना तुम लोग बैठ जाओ अंदर और मैं चलता हूँ, क्योंकि ना अभी देखो अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं, अभी उसको डायरेक्ट लाइव पकड़ना है। तो
तो यार चलो वो ना अंदर बैठ चुकी है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। और फटाफट से रेड निंजा तू भी ना उसकी भाई सही सलामत गाड़ी चला भाई, क्योंकि ना देखो रेड निंजा को मैंने दिया है काम इसको बचाने का, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। अगर इसको कुछ हो गया ना भाई तो फिर समझ जाओ हम तो गए काम से। सो चलो यार फटाफट से विदाउट कोई टाइम पास किए बिना ये कुछ प्रोग्राम वगैरह रन कर रही है। और अपना ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया क्या? चलो लग रहा है ना कनेक्ट हो चुका है, और मेरे को बैठना पड़ेगा फटाफट से। चलो यार एनर्जी वालों, आज तुमने यार मेरा दिमाग ख़राब कर दिया बिल्कुल यार, आज चलो फटाफट से बैठ जाओ भाई। सबके सब ना भाई पीछे पीछे आ रहे हैं। ऑल राइट गाइस फटाफट से ना अभी निकलना पड़ेगा, और गाइस देखते हैं अभी पता नहीं यार क्या सारी इन्फॉर्मेशन निकल पाती है कि नहीं। और यार फटाफट से ना यार ये कितना धीरे बैठोगे यार तुम लोग को भाई मैं सिक्योरिटी से निकाल दूंगा यार। गाइस आप लोग बोलो चैट पे भाई, ज़्यादा कमेंट दिखेंगे ना मेरे को भाई मैं एनएसजी वालों को निकाल दूंगा कसम से यार। अगर 20 लाइक आ गए ना एक बंदे ने अगर बोल दिया एक कमेंट पे भाई मैं निकाल दूंगा इनको भाई। क्या यार कैसे लोग ना भाई इतना टाइम पास कर रहे हैं यार, फटाफट गाड़ी में बैठ जाओ ना पहले। आज तुम लोग को पता यार मार्टिन का गेम ओवर करना है। और यार चलो कोई बात नहीं, सिक्योरिटी यार अपने बहुत ज़्यादा हेल्प की यार एनएसजी वालों ने, बट कोई बात नहीं गाइस। लग रहा है ये लोग को भी गुस्सा आ गया भाई मेरे को पकड़ के भाई। अरे आराम से रेड निंजा भाई, ये निंजा सिक्योरिटी को क्या हो गया भाई? आज ना भाई मैडनेस चल रही है, मतलब हर एक बंदा आज मैड हो गया, पागल हो चुका है। सो चलो यार फटाफट से देख रहा हूँ भाई इतनी फास्ट गाड़ी भगा रहा है ये देखो भाई। अरे भाई मरवाएंगे, वो पीछे बैठ के काम कर रही है भाई, गाड़ी चला रहा है, ऑफ रोडिंग कर रहा है कार को लेके। ये देखो भाई काम चल रहा है गाइस, सब कुछ ना ब्लूटूथ कनेक्ट है मेरे को, सब कुछ डायरेक्शन वगैरह सब कुछ दे रही है। एंड चलो फटाफट से ना अभी देखते हैं कौन सी लोकेशन पे जाना है। और गाइस ये लोकेशन से वो गया है कह रही कि ये लोकेशन। ऑल राइट गाइस देखो इतना चलने के बाद देखने के बाद, और ना अब इसकी स्पीड हो चुकी है स्लो, पता नहीं इसका साबुन स्लो क्यों हो गया, मतलब गाड़ी स्लो हो चुकी है। मतलब ये कह रही कि कहीं ना सिग्नल यहाँ पे कह रहा है, ये कह रही है सिग्नल ना इधर ही कहीं है। यार ये सुमसम रास्ते में है क्या सिग्नल है भाई? हेलो क्या हो गया इधर, गाड़ी भगाना फटाक से। ये कह रही कि देखो गाड़ी इधर रुकानी पड़ेगी। यार इधर तो कुछ भी नहीं है, बट चलो एक बार देख ही लेते हैं गाइस। क्या पता वो झाड़ों के पीछे छुप के बैठा हो या भाई झाड़ के ऊपर बैठा हो, मुझे नहीं पता। ये कहीं ट्रेन के अंदर नहीं बैठा ना, एक बार देख लें, वरना ये बंदा हमेशा ट्रेन के अंदर ही घूमते रहता है भाई, पता नहीं प्लेन की टिकट बचाने के चक्कर में। एक सेकंड लभी ना गाइस, लग रहा है इधर ही कहीं है भाई। गाड़ी रुका दिए, गाड़ी रुक चुकी है। क्या हो गया, एक सेकंड मेरे को उतरना पड़ेगा फिर ही बात करते हैं गाइस। पता नहीं गाइस क्या कह रही है, एक बार ना इससे बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं क्या कह रही है। सो गाइस ये कह रही है कि देखो ना इधर ही कहीं मेरे को सिग्नल आ रहा है, उसके आगे सिग्नल नहीं आ रहे रेंज के अंदर। सो एक बार ना पीछे जाके देखो, क्योंकि अभी पीछे ना फुल रेंज आ रही है। सो यार ये काम करते गाइस पीछे जाके देखना पड़ेगा बता, क्योंकि ना गाइस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, हमको क्या पता। सिग्नल इधर ही आ रहा है, इसका मतलब इसका जो मोबाइल का नेटवर्क है ना इधर ही कहीं अवेलेबल है। सो गाइस देखो एक हमको ना भाई अलर्ट रहना पड़ेगा, तो एक काम करो यार। भाई देखो मेरे को इधर लग रहा है ये झाड़ियों के पीछे कुछ हो सकता है, क्योंकि देखो हमने सब कुछ तो देखा है भाई, इधर तो झाड़ा है एंड बस ये एक चीज़ हमको भाई नज़र आ रही है भाई, झाड़ियाँ। ठीक है ना भाई, झाड़ियाँ नज़र आ रही है। सो एक काम करो, तो इसको बोलता देखो तुम चले जाओ, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, जाना मत, ज़रूरत पड़ सकती है तो तुम थोड़ा पीछे चले जाओ, वरना कुछ फाइटिंग वगैरह हो गया ना भाई गोली गिली लग जाएंगी कहीं भी, और कुछ भी हो सकता है। सो गाइस तो मैंने उसको वापस भेज दिया है, कुछ नुकसान वगैरह ना हो जाए। सो एक सेकंड गाइस, तो अभी ना मेरे को कुछ नज़र आ रहा है इधर भाई, ये झाड़ियों के पीछे ना मेरे को डाउट आ रहा है कि ये झाड़ियाँ ऐसे कैसे लग गई भाई। ये सब देखो सब अलग है एंड ये ना अलग है, मेरे को डाउट तो आ रहा है। एक काम करते ना इस झाड़ी के पीछे जाके देखो, क्या पता इसके पीछे छुप के बैठा हो ये मार्टिन का बच्चा। चलो एनएसजी वालों डरो मत यार, तुम्हारा बॉस आगे जा रहा है साल, तुम डर रहे हो। एक सेकंड भाई मेरे को अभी भी डर लग रहा है, क्या पता भाई कोई टाइगर वगैरह ना आ जाए भाई, गोरिल्ला वगैरह ना आ जाए, क्योंकि भाई ये गुफा टाइप का कुछ लग रहा है। सो एक सेकंड भाई जाके देखते हैं भाई। चलो भी यार भाई कुछ दिख ही नहीं रहा गाइस कसम से, भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई, फट के हाथ में आ रही है, बट चलो यार जाना तो पड़ेगा ना भाई, क्योंकि सिग्नल इधर ही आ रहा है एंड बहुत बड़ा वाला सिग्नल आ रहा है। सो एक काम करो एनएसजी वालों, चलो फटाफट से सब साथ में चलते हैं। ठीक है भाई, डर क्यों रहे हो यार एनएसजी हो भाई तुम, और इसकी भैंस किया। एक सेकंड ये क्या था भाई, ये
ब्लैक ओप भाई, ये तो ब्लैक कमांडोज है। गाइस गाइस, हमारा काम बिल्कुल सही निकला। बहुत जल्दी आए तुम, बहुत जल्दी, बहुत बहुत एनएसजी वाला ओपी भाई, सबको मार दिया एनएसजी वालों ने। चलो यार अभी फटाफट दरवाज़ा खोलता हूँ गाइस, यहाँ पे सीक्रेट दरवाज़ा है भाई। क्या ही बोलो गाइस, यहाँ पे ना हमारी हैकर ने बिल्कुल सही पकड़ा। और गाइस ये देखो, अरे एक सेकंड, दरवाज़ा है ना ये दरवाज़ा, आई थिंक पासवर्ड लग रहा है क्या भाई? ये तो पासवर्ड वाला दरवाज़ा है, अब कैसे खोलेंगे? पासवर्ड तो मार्टिन को पता है अभी, मार्टिन भाई। यार ये एक सेकंड मैं बटन दबा के देखता हूँ गाइस, क्या पता कुछ हो जाए गाइस। पासवर्ड तो हमको पता नहीं है भाई, कुछ दबा के देखता हूँ क्या पता गाइस। एक सेकंड में बटन तो दबा रहा हूँ गाइस भाई, एक दो तीन दबा दिया बट खुल नहीं रहा भाई। जो भी पासवर्ड होते हैं ना इजी वाले भाई, सब कुछ दबा दिया, एक दो तीन चार दबा दिया भाई, सब कुछ दबा रहा हूँ बट ओपन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं यार, ये अपना वाला काम नहीं है ठीक है। अपना काम है मार राम पीट करना और भाई दुश्मनों को भगाना और भाई डील वगैरह करना, तो ये काम अपना हैकर कर लगा है। सो यार अब ना भाई, अच्छा वो मैंने इसको मना नहीं किया जाने के लिए, वरना भाई फिर से कॉल करके ना बुलाना पड़ता। और चलो यार भाई इसको बोलता हूँ भाई फटाफट से ना बाहर निकल जा, मतलब कार के भाई, और ना भाई अपना छोटा मोटा काम है वो कर दे यार। चलो मैंने इसको बोल तो दिया है, एंड ये ना अंदर जाके बैठी हुई थी क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर दिया था। सो यार चलो यार फटाफट से, अरे तुम लोग तो उधर रहो, तुम लोग क्यों आ जाते हो इधर यार? कसम से यार, कुछ एनएसजी वाले आज मेरे को कसम से ना भाई निराश कर रहे हैं भाई आज ना भाई, क्या हो रहा है भाई? लाइन मार रहे हैं क्या ये लोग भाई? है ईमा हैकर पे ना भाई, लाइन तो नहीं मार रहे ना? चलो यार ये देखो रास्ता भटक चुका हूँ मैं। नहीं, अच्छा ये लोग इधर है, पता नहीं यार, अभी वही कुछ कर सकती है कैसे, हम लोग को कुछ नहीं पता भाई। ये सीक्रेट रास्ता है, देख रहे हो ना गाइस, समझ रहे हो? सो चलो यार अभी कुछ ना कुछ कर यार, फटाफट से खोल दे इसको और सब कुछ यार दिखा दो अंदर क्या है गाइस। पता नहीं अंदर क्या है यार, मेरे को लग रहा है ना भाई कुछ भी हो सकता है अंदर। यार मार्टिन तो वैसे मेरे को लग रहा है इधर ही है, क्योंकि उसकी लोकेशन ना यहाँ पे आ रही है। सो चलो यार ये ना कुछ कर रही है, एंड यहाँ पे ये एक सेकंड, ये तो इसके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, एंड ये बटन दबा रही है भाई साहब, क्या ही चीज़, मतलब क्या ही गाइस, खतरनाक वाली हैकर है भाई साहब। मतलब विदाउट इक्विपमेंट के ही लग रहा है ना पासवर्ड खोल के रख देंगी, एंड भाई साहब भाई खुल नहीं रहा है क्या गाइस? लग रहा है ना खुल नहीं रहा है गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है यार। हैक कर लो ना यार, पासवर्ड ट्राई क्यों कर रहे हो? एक सेकंड भाई, एनएसजी वालों ओपी भाई, भाई ये कब खुला मेरे को खुद नहीं पता, और मैंने देखा सामने और एनएसजी वालों ने अपना काम किया भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वरना साला मेरे को गोली लग जाती भाई साहब। क्या ही कमाल किया एनएसजी वालों, अरे थैंक यू फिर से ईमा यार, फिर से थैंक यू तुम्हारा यार। अब ना तुम चले जाओ, अभी सामने तो भाई सादा दरवाज़ा है भाई, एक लात मार के तोड़ दूंगा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा फिर से, और तुम्हारी पेमेंट डबल कर देंगे। चलो तुम चले जाओ और मस्त पैकी कार के अंदर बैठ जाओ, एंड हम हमारा काम करते गाइस, क्योंकि ना इसने अपना काम कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से, और गाइस बहुत कुछ किया है, मतलब बढ़िया चीज़। सो चलो यार फटाफट से ना एनएसजी वालों, भाई तुम रेडी हो जाओ, तुम जाओ पहले या मैं जाता हूँ। चलो यार चलते गाइस। ऑल राइट गाइस, चलो यार फाइनली भाई अंदर आ चुके हैं। और गाइस ये क्या है भाई? गाइस ये ना सीक्रेट जगह है, इसके पास कितने सारे सीक्रेट जगह है। ये बंदा क्या था गाइस? ये मार्टिन का बच्चा क्या था गाइस? मतलब देख रहे हो ना इस बंदे के पास कितनी पावर है, कसम से यार, मतलब इतने सारे सीक्रेट बनकर इस बंदे के पास। और ये बंदा सबसे पावरफुल लगा मुझे, आप लोग बताओ भाई सबसे पावरफुल जो भी विलन है हमारी स्टोरी में का, भाई डगन बॉस तो है ही, बट यार ये ना कुछ अलग ही चीज़ें। एंड एक सेकंड, ये दरवाज़ा तो खुल गया, मुझे लगा हैकर को बुलाना पड़ेगा फिर से, बट गाइस ये तो ऑटोमेटिक खुल चुका है। चलो भाई सबको मार देंगे, सबको मार देंगे। एक सेकंड, ये ना गाइस सीक्रेट घर लग रहा है मुझे। एक सेकंड भाई, प्लीज लेट चल साला भैंस की आगे, ब्लैक कमांडोस क्या कर रहे इधर? ये ऊपर से जो ग्यारह पीछे देख ले के, चल गाइस इसको भी ले लिया, जंप करेगा। और एक सेकंड ये टकले लोग, एक सेकंड, आराम से सबको मार देंगे भाई। माइकल टेंशन ना लो भाई, टेंशन मत लो। ये देखो एक नीचे गिर गया भाई, पता नहीं ऊपर भी है आई थिंक। आ जाओ फटाफट से एनएसजी वालों, फटाफट से आ जाओ, घुस जाओ डायरेक्ट घुस जाओ। और गाइस चलो यार फटाफट से ना
और ये बंदा कितनी प्लानिंग करेगा भाई, पहले गोल्ड माइन जो सीक्रेट बनकर है ना उसका वहाँ पे भी था और इधर भी था। ये बंदा बिल्कुल ही मास्टरमाइंड है, बट उससे बड़े मास्टरमाइंड हम निकले, बट इतना हमने दिमाग यूज नहीं किया, बट हर चीज़ तबाह कर दी भाई मिलके, मतलब मिलके जो भी होता है ना भाई, भाई तहस नहस हो जाता है। मतलब उसको लगा नहीं था कि यार सब कुछ सब मिलके उस पर अटैक करेंगे, उसके सारे दुश्मन टॉमी और गाइस रेड स्कल गैंग और मैं और फ्रेम और बहुत कुछ गाइस। और एक सेकंड, ये क्या है बे, ये क्या हो गया गाइस, एक सेकंड, मैंने तो नोटिस, ये देखो ऑटोमेटिक खुल रहा है, ये लॉक नहीं किया क्या इसने भाई, ये तो मेरे को पता भी नहीं था कि यहाँ पे रूम है गाइस, मैं तो देख ही नहीं रहा, मैं तो भूल ही गया था यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ पे मार्टिन का बच्चा भाई, इधर मार्टिन है गाइस, मार्टिन तेरी भैंस की आग। एक सेकंड भाई, इसको मारना नहीं है, एक सेकंड, अभी मेरे पास चांस है, ठीक है। ये रूम के अंदर है, ये बंदा रूम के अंदर है, एंड एक सेकंड मैं स्टन गन निकाल तो, एक सेकंड इसको ना बेहोश कर दो, एक सेकंड रुक जाओ, अभी भी चांस है भाई। ये बंदा ना, इसको पता चल गया इसका एंड हो चुका है, ये लो गाइस स्टन कर दिया साले, मेरे को वैसे स्टन किया था ना, याद आया कुछ, मेरे को वैसे किडनैप किया था ना भाई, इस बंदे ने मुझे भी ऐसे किडनैप किया था। चलो भाई साले, ये ले भाई, इसको फटाफट से ना लिख जाना पड़ेगा, जिंदा है ना भाई, मरना मत जाना भाई। भाई इस बंदे ने भाई फालतू का स्क्योरेट ले गया ना, सिर्फ बॉडी बना के रखी भाई, और कुछ नहीं भाई। उसको मैंने उठा के फेंका था, आपको याद है 1 UN जब मैंने इससे किया था ना, जब इसने मुझे किडनैप किया था, मैंने इसे बोला आजा तेरे मैं दम होगा, तो 1 UN कर भाई, साले को इतना ठोका ना, इतना ठोका गाइस क्या ही बोले। अब देख रहे हो साला भाई आ गया ना अपनी औकात पे गाइस, अब इसके पास कुछ भी नहीं है भाई, इसके पास ना आर्मी है, ना उसके पास कुछ है, हेलीकॉप्टर बचे, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है, बिजनेस वगैरह सब कुछ तबाह कर दिया है भाई। 4 दिन से हम लोग यही सब कुछ कर रहे थे, अब जाके ना फाइनली हमारे हाथ आ चुका है मार्टिन। सो गाइस अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मार्टिन नूब लिख दो, या मार्टिन जो भी लिखना है लिख दो भाई, बस मार्टिन लिख दो, और मार्टिन का मतलब मुझे समझ आएगा। आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार मेरा लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, 1000 लाइक्स तो हो ही नहीं रहे, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, पूरा वीडियो देख नहीं रहे हो, तो गाइस डीमोटिवेट हो रहा हूँ फुल। सो प्लीज़ यार लाइक शेयर ज़रूर करना, फिर उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और एक सेकंड, ये क्या कर रहा है इधर, ये कटप्पा क्या कर रहा है इधर, साला चल तू मिले, और ये देखो पानी के अंदर है बिल्कुल ही, सब कुछ तेज, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे भाई, सब कुछ तोड़ देंगे भाई, हर चीज़ ना भाई, हर चीज़ तोड़ देंगे, टेंशन ना लो, हर चीज़ तोड़ देंगे। साला ये बनता भाई क्या क्या करके बैठा है, कोई बात नहीं गाइस, हर चीज़ तोड़ देंगे सालों की हर चीज़ भाई, मैं बॉम्ब छोड़ा दूंगा। ये बंदे ने मेरा इतना नुकसान किया ना इसने भाई, कसम से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही नुकसान किया है। चलो यार फटाफट से ना गाइस सब कुछ तो तोड़ दिया हूँ, हर चीज़ तो मैंने तोड़ दिया उस साले की। अब वो लोग को मैंने बोल दिया, वो लोग उसको पकड़ के लाएंगे, मतलब NSG के लोग तो हैं वहाँ पर, वो लोग उसको ना भाई पकड़ के अपने पास ला लेंगे। अब मैं तो उठाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि भाई अपन बॉस है भाई, अपन माइकल है, अपन थोड़ी ना सिक्योरिटी वाले भाई, अपन थोड़ी ना काम करेंगे। तो चलो यार अभी फटाफट से बाहर जाते हैं। और भाई तू क्या कर रहा है इधर, अच्छा ये ना भाई देख रहा है, आई थिंक कोई आना जाए, बढ़िया काम कर रहा है, वैसे तो कोई आने वाला तो है नहीं, सब तो भाई ख़त्म हो गया इसका, बेचारा ख़त्म हो चुका है, पता नहीं अब इसको ज़िंदा लेके मैं जाने वाला हूँ। हमारे गैंग लीडर, मतलब मेरे गैंग तो नहीं है, जस्ट मैं इसे ज्वाइन किया वैसे, मतलब शो करने के लिए गाइस, समझ है, मतलब मुझे पावर चाहिए थी भाई, मिलके काम करना था, वो मुझे कह रहा है कि आप मेरे गैंग में आ जाओ एंड बहुत कुछ गाइस। सो वैसे तो गैंग में तो हुई भाई, वैसे तो काम करेंगे मिलके, बट यार गैंग का मेम्बर मैं नहीं बनना चाहता भाई, मेरे को बनना है लीडर। मैं भाई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि भाई किसी के गैंग में ज्वाइन करूँ भाई, माफिया हो भाई, माइकल हो भाई, ऐसे घोचू वगैरह नहीं हो कि किसी के भी गैंग में ज्वाइन हो जाऊँ, वैसे गैंग पावरफुल है, ठीक है ना गाइस, बट मुझे लीडर बनना है। ऑल राइट गाइस, तो देखो मैंने कार इधर ला लिया पीछे, और ये देखो इसको साले को ना पकड़ के अंदर रख दिया और भाग के दिखा। और यार ये हैकर गर्ल मेरे कार में बैठ गई, जैसे मैं इधर गार्डन में घूम रहा हूँ, यार इधर तुम जाओ ना यार, चलो NSG वालों फटाक से बैठ जाओ। अरे हैकर गर्ल तुम अपने कार में जाओ ना, पिंक वाले कार में। यार ये क्या है यार, ये ऐसे बैठ रहे जैसे यहाँ पे ना भाई, इधर कोई जैसे भाई मैं ऐसे चक्कर मार रहा हूँ, चक्कर दे रहा हूँ क्या इधर, ये क्या करते हो यार, ये हैकर गर्ल का पता नहीं यार। चलो भाई वैसे दिमाग तो बहुत है,
बट चलो यार भाई, जा रही है खुद पैदल जा रही है भाई, कसम से यार भाई, बैठते ही क्यों, मैं ये चक्कर खेलने आया हूँ इधर भाई। पिंक गाड़ी में जाओ ना तुम्हारे भाई, क्या ही बोले भाई, फटाक से बैठ जाओ वरना रास्ता मिल ना जाए तुमको। अब ना गाइस सीधा जाएंगे हम लोग हमारे गाइस रेड स्कल और टॉमी के पास। उसको मैंने कॉल करके बोल देता हूँ कि यार देख, हमने इसको पकड़ लिया है, अब कहाँ लाना है, किधर लाना है, लोकेशन तू बता, और इसका क्या करना है, अभी इसको ज़िंदा छोड़ना है क्या करना है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चलो फटाफट से चलते हो। और ये देखो गाइस, दम दम से काम चल रहा है इन लोग का। और चलो भाई फटाफट से ना मेरे पीछे आ जाओ और मैं तुमको देता हूँ लोकेशन जहाँ हमको हमारे रेड स्केल जो भाई है ना, जो मतलब लोकेशन देखते हैं क्या सीन है वगैरह वगैरह। सो चलो यार फटाफट से ना लोकेशन की ओर निकलते हैं और पता करते हैं क्या सीन है और क्या हम लोग इसके साथ करने वाले हैं। ऑल राइट गाइस, चलो यार फटाफट से ना अभी चलते हैं। अभी यार हम लोग गाइस आ रहे हैं गाइस, एंड सामने ना एक सेकंड, रास्ता ब्लॉक है क्या भाई, रास्ता कैसे ब्लॉक हो गया, एक सेकंड, यहाँ पे बॉम्ब क्यों फेंका यार, एनएसजी वालों बॉम्ब क्यों फेंक रहे हो किसी के सामने, इसकी बेस क्या सही किया भाई, बॉम्ब तो फेंका बट थोड़ा दूर फेंकता ना भाई। यार गाइस ये तो मार्टिन के बंदे भाई, ये मच्छरों को मारते मारते ना मैं बोर हो चुका हूँ, बट कोई ना, सालों की औकात दिखा देंगे, अब इतना कर दिया है तो इनको भी मार के जाएंगे गाइस। तो यार फटाफट से इनकी बैंड बजाते हैं भाई, अब देख रहे हो ना कैसी औकात आ चुके भाई, हेलीकॉप्टर दिख रहे नहीं, टैंक दिख रहे नहीं गाइस, हाईटेक वेपन दिख रहे, कुछ भी नहीं बचा है यार, कहाँ से होगा इनके पास भाई, कुछ भी नहीं बचा है गाइस विदाउट भाई बुलेट प्रूफ कार के आ रहे हैं। अरे हैकर गर्ल कहाँ लेके जा रहा है उसको, अरे निंजा कहाँ लेके जा रहा है सामने, अरे बेवकूफ मरेगा ना भाई, तेरी कार तो बुलेट प्रूफ भी नहीं है, इसकी भैंस की आग चल भाई तू भी ले ले, कसम से गाइस बैंड बजा दिया है बिल्कुल ना भाई, गेम ओवर है बिल्कुल ही, गेम ओवर कर दिया सालों का। और कोई है क्या, आ जा तू भी आ जा, चल चल भाई, आर पी की ठोक दूंगा कसम से भाई, तुमको थोड़ी जिंदा छोड़ने वाला हूँ, तो लग रहा है ना भाई जैसे मैंने मार्टिन को छोड़ा वैसे इनको भी छोड़ दूंगा आर पी जी से भाई, बेवकूफ़ नहीं हूँ भाई, सबको फेल दूंगा भाई, ये मच्छरों को मार देंगे अभी ना इन लोग को कभी, ये लोग मुझे अब दिखने वाले नहीं है, मुझे नहीं लगता है गाइस कभी ये लोग मुझे दिखने वाले, क्योंकि इनका बॉस को मैंने पकड़ लिया है, अब इनके बॉस को गाइस मैं मार दूंगा तो ये बच्चे लग नहीं रहा, अभी इसके लिए काम करेंगे ये, तो बस अपने एक सेकंड ही भैंस की आग भाई, मैं सामने आ गया और पीछे देखो, पीछे कोई भी नहीं है भाई, इधर पीछे कोई भी नहीं है, और ये देखो गाइस हमारा मतलब हमारा कोई नहीं है भाई पीछे ना भाई, ये बंदे आ चुके हैं, एंड ये लो भाई आरपीजी, चलो गेम ओवर है, तुम लोग का गेम ओवर है, साले पीछे से अपने अपने कैप्टन मतलब अपने बॉस को बचाने के लिए आए कसम से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, बचा लो भाई तुम लोग को जो करना है बचा लो, मैं भी देखता हूँ कैसे बचाते हो सालो, एनएसजी वालों फटाफट से अटैक कर दो सालों पे, अब इधर का आई थिंक उधर का हो चुका है, तो वाइस चलो एक सेकंड ये देखो इधर से अटैक कर रहा है भाई तुम, चलो यार फटाफट से सबका गेम ओवर करते हैं भाई, सबको मार दो भाई, सबकी बैंड बजा दो सालों की गाइस, इनकी औकात दिखा देंगे ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनकी औकात ना यही है सालों का गाइस, सब कुछ ख़त्म कर देंगे भाई, हर चीज़ ख़त्म कर देंगे इनकी। और भाई ये मच्छरों को ना भाई इनको दिखाता हूँ भाई, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी क्या काम कर सकती है भाई, शुक्र मानो मेरी ए आई सिक्योरिटी नहीं आई थी, वरना सालों तुम लोग के टुकड़े हो जाते। अभी ए आई सिक्योरिटी को मैंने चार्जिंग पे लगा के रखा है और थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है गाइस, आपको बताया भाई वो काम मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या काम चलने वाला है उसके ऊपर भाई, ख़तरनाक काम कर रहा हूँ मैं उस पर, आपको अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ ए आई सिक्योरिटी के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत बड़ा वाला मॉडिफिकेशन उस पर होने वाला है, बहुत बड़ा वाला मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। सो भाई सब मर गए क्या, चलो यार बहुत सही, चलो भाई मेरे को इंतज़ार नहीं हो रहा है इसके साथ क्या करना है, तो फटाफट से गाड़ी में बैठ जाओ, इस मच्छरों को तो भाई मसल के रख देंगे, बिल्कुल ही मसल के रख देंगे, फटाफट से गाड़ी में बैठ जाओ भाई फटाफट से, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और भाई ना अब ना गाइस सबको इसके साथ क्या करना है मुझे नहीं पता, मतलब इसको मारना तो है बट ज़िंदा रख के मतलब कैसे मारूंगा, टॉर्चर करना है क्या करना है मुझे नहीं पता, चलो भाई जो भी करना है वो आगे जाके पता चल जाएगा हम लोग को। चलो भाई ये लोग ना फटाफट से भाई बैठ रहे, धीरे धीरे आ रहे हो यार, भागो फटाफट से, और भाई फटाफट से ना भाई बैठ जाओ। सो गाइस देखते हैं इस क्या सीन है,
एंड चलो यार, ये लोग अभी भी 10 घंटे लगा रहे हैं बैठने के लिए। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और देखते गए इस चासी ने अभी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाला है। जब तक ना हम लोग चलते हैं अपनी लोकेशन पे, जो अपने को लोकेशन भेजी है रेड स्कल गैंग ने। और भाई साहब चलो, सब कुछ सही है अपना, बिल्कुल भी किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई ना, सब कुछ सही है गाइस। और हमारी लोकेशन भी और मिलने वाला है भाई, देख रहे हो क्या ही नज़ारा है यार, मतलब बढ़िया तरीके से ना, बहुत ही बढ़िया सीन है गाइस। सो चलो यार, लोकेशन की और मिलते हैं। ऑल राइट गाइस, यार बहुत ही गाइस फाइट करने के बाद ना, चलो यार हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर हमारी लोकेशन पे, जहाँ ना हमको लोकेशन दी है हमारे रेड स्कल गैंग लीडर ने, और टॉमी भी यहाँ पर ही है। पता नहीं गाइस ये लोकेशन ना भाई, ऐसी लोकेशन है जहाँ पर ना गाइस बहुत गंदे गंदे, मतलब गाइस खतरनाक काम होते हैं, मतलब समझ रहे हो मर्डर वाले ऐसे वैसे काम होते हैं गाइस। ये ऐसा वाला एरिया है ना, मतलब यहाँ जिसको भी जाते हैं उसकी फट जाती है, मतलब इतना सुमसा मेरी है ना। तो चलो इसको फटाफट से उतारते हैं यहाँ पर और इसके मज़े लेते हैं। और इस बंदे ने हमारे भी ऐसे मज़े लिए थे, आपको याद होगा। सो चलो इसको फटाफट से इधर उतारते हैं। ऑल राइट गाइस, तो देखो इसने भी मेरा ऐसे हाल किया था, अगर आपको याद होगा मेरे को इसने ट्रैप किया था और ऐसे मेरे को लिटाया था और ऐसे ही हंस रहा था और इसके ऐसे बंदे नाच रहे थे। अब गेम हो चुका है उल्टा, इस बंदे ने हमारे कितना नुकसान किया है, बट हम लोग ने इसके गाइस सब कुछ तबाह नहस कर दिया। इसके इतना सारा पैसा, इसकी गोल्ड माइन और बहुत कुछ। और एक काम इसने मेरे से करवाया था, इसने मेरे से नचवाया था गाइस, इसने मेरे को वार्निंग दी थी, मतलब बोला था तेरे फैमिली को मार दूंगा, तेरे को नाचना पड़ेगा। सो अब मैंने उसको बोला था देख मेरे को तो मार दे, बट उसने जब फैमिली का नाम लिया ना इसलिए मैं नाचा था। अब देखते हैं कि मैं इसको बोलता हूँ देख मैं तेरे को मार रहा हूँ, तू नाच, अगर नहीं नाचेगा तो तेरे को गोली मार दूंगा, देखते हैं नाचता है कि नहीं। मैं फैमिली का नाम भी नहीं लूँगा, देखते हैं ये कितना बड़ा हद्दू इंसान है या मेरा जैसा ही खतरनाक वाला सिग्मा मेल है। सो देखते हैं यहाँ पर ना, इसको मैं देखता हूँ फायरिंग करके। चल बेटा नाच के दिखा मार्टिन, जैसे तूने मेरे को बोला था ना, चल अब तो मैं तेरे को वार्निंग भी नहीं दे रहा हूँ। सो यार गाइस, साला नाचने लगा, मतलब ये ना भाई फट्टू इंसान निकला भाई, खुद की जान बचाने के लिए नाच रहा है भाई। मैंने तो कुछ इसको धमकी वमकी भी नहीं दी, और भाई खुद की जान बचाने के लिए नाच रहा है भाई। जब इसने मेरे को नचवाया था ना, साले ने भाई मेरे को बोला था भाई तेरे को मार ही दूंगा, मैंने बोला मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता तू मार दे। उसने जब मार, इसने फैमिली का नाम लिया इसलिए नाचा था। तो यार देखो अलग अलग डांस करने के लिए बोला, यार ये क्या ही हज़री है, मतलब गाइस क्या ही सीन है भाई साहब। ये देख रहे हो भाई, डांस करना नहीं आ रहा है भाई, फत्ते को भाई। चल बेटा ऐसे जैसे भी आता है ना भाई वैसे डांस कर भाई। अब इसको बोलता साले मुर्गा डांस करके दिखा, वरना साले तेरे खोपड़ी पे डाल दूंगा। इसको बोला है कि अब मुर्गा डांस कर भाई, कैसे भी कर मेरे को नहीं पता मुर्गा डांस क्या होता है भाई। अब देखते हैं भाई ये मुर्गा डांस कर रहे हैं। एंड गाइज अब ना भाई क्या ही सीन है भाई, अब देखो भाई अब आएगा ना मज़ा भाई, अब आएगा ना मज़ा गाइज, अब आ रहा है ना साले तेरे को मज़ा मुर्गा डांस करके भाई। सो गाइज अब ना भाई इसकी बिल्कुल ही गाइज औकात इसकी दिखा दियो, अब इसको कोई बचाने वाला नहीं है, डक्कन वॉस भी नहीं आएगा, ना ही इसकी सिक्योरिटी, क्योंकि अब ना सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और भाई देख रहे क्या ही डांस कर रहा है भाई अपनी जान बचाने के लिए, इसको लग रहा है मैं इसको छोड़ दूंगा, बट इतना तो भाई मैं इनोसेंट हूँ नहीं। तो एक सेकंड इसको ना मैं थप्पड़ मारता हूँ एंड इसकी औकात दिखाता हूँ। और गाइज ये कह रहा है कि देख मैंने तेरे से 1v1 किया था जब भूल गया, तो भाई अब भी आ जा एंड मेरे से ना 1v1 कर ले, क्योंकि ना पिछले एपिसोड में गाइस आपने देखा है जब इसने मेरे को किडनैप किया था ना, तो भाई इसने मेरे से 1v1 भी किया था गाइस, तो बोला था मतलब आ जा, तो चल बेटा तू आ जा, अब ना हो जाए भाई 1v1 हो जाए। अरे उसको क्या मार रहा है छपरी, वो कह रहा है कि तुम इतने सारे हो तुम मेरे को अकेले मिल के मार रहे हो, चल कोई बात नहीं आ जा भाई तेरे को ना दिखाते हैं 1v1 में क्या सीन है, इसको दिखाते हैं माइकल की क्या पावर है। एक सेकंड साला ये ले, चल तू भी ले एंड इसको ना भाई मार नहीं रहा साला, चल चल भाई इसका ना दम नहीं रहा भाई, इसमें ना भाई दम नहीं रहा है साला भाई, देख रहे हो भाई बिल्कुल ही फट्टो इंसान है, मतलब क्या ही बोलूँ भाई। पिछली बार भी इसको 1v1 में हराया था, बट साले ने चीटिंग करी थी, मतलब गन निकाल ली थी, मतलब स्टन गन से ना मेरे को स्टन कर दिया था,
अब देख रहे हो, अब इसके पास तो कुछ भी नहीं है भाई। अब निकाल साले, आप चीटिंग करके दिखा। पूरा ही क्या, पूरा पूरा गेम ना इसका जो ट्रैप था बिल्कुल ही वही गाइस उल्टा गेम हो गया और साले को उसकी औकात दिखा दी। सो ये देखो, ओ भाई भाई बहुत मार रहा है इसकी फेस किया। कोई ना रुक जा आ जा भाई, कोई नहीं मारेगा तेरे को, कोई नहीं आएगा बीच। वो कह रहा है कि देख अगर तू मरने आया था तेरे सिक्योरिटी तेरे को हेल्प कर देगी। कोई ना भाई, अगर मैं मर गया तो तू बच गया, अगर तू मर गया तो मैं बच गया। सो चल 1v1 हो जाएगा इस, कोई बात नहीं। अभी फटाफट से ना इसकी औकात इसको दिखाता हूँ और इसकी बैंड बजाता हूँ। सारे इधर आ जा, बीच में आ जा। इसकी भैंस की आग में मार रहा है भाई साहब, बहुत मार रहा है। अरे हट जा बीच में से रेड स्कल भाई। चल कोई ना भाई, कुछ हो ही नहीं रहा साले को भाई। लगता है ना भाई पावरफुल गोली खा के आए। कोई बात नहीं भाई, हंस क्या रहे भाई, मेरा इधर खुद इधर फाइटिंग चल रही है। कोई ना भाई, इसकी औकात इसको हम लोग दिखाएंगे और फटाफट से इसको 1v1 में हराता हूँ और इसको ना गेम ओवर करता हूँ, क्योंकि ना इसको हम लोग ऐसे मिल के नहीं मारेंगे। इसने बोला है कि भाई इसको ना भाई सिग्मा मेल की तरह मारेंगे, मतलब इज्जत से। ऑल राइट गाइस, इसको ना भाई साहब इतना पीटा है ना साले की हालत पतली हो गई। मैंने बोला था गाइस, भाई साहब इसको ना फिर से 1v1 में हरा दिया हो, मतलब विदाउट कोई चीटिंग के। तो यार अब ना गाइस गेम हो चुका है बराबर, मतलब 1v1 में मारा है तो अब ना साले को कुत्ते की मौत मारेंगे, मतलब जला के। तो गाइस माफिया मतलब माइकल से पंगा लिया है, तो ऐसी वैसी मौत तो इसको मिलने वाली तो है नहीं। साले को जला के मारेंगे जैसे किसी के भाई क्रूजर को मैंने मारा था ऐसे मिसाइल से, तो इसको भी जला के मारूंगा। और भाई देख रहे हो साला फिर भी उठ रहा है भाई साहब, देख रहे हो। कोई बात नहीं, उठ जा भाई, कितना उठेगा भाई, जल के ना साले को मार ही देंगे भाई। देख रहे हो कैसे तड़प रहा है साहब। कोई बात नहीं इतना गंदा मारूंगा ना इसको साले को भाई। देख रहे हो कैसे फट रही है इसकी भाई, फुल जल के ना नीचे गिर रहा है। कोई बात नहीं भाई, निकल जा, अब आएगा मज़ा। अब मैं निकालने वाला हूँ मेरी शॉर्ट गन छोटी वाली और इसके सर पे मैं ठोकने वाला हूँ 2 गोली। उठ जा भाई, चटके लग रहे, कोई बात नहीं। और गाइस गेम ख़त्म, हमारा सबसे खतरनाक वाला एनिमी दुश्मन ख़त्म हो चुका है, जल के राख हो चुका है, कपड़े वगैरह जल चुके हैं। गाइस फेयर तरीके से मारा है, चीटिंग नहीं की, मतलब 1v1 करके रेस्पेक्ट से फाइट की और रेस्पेक्ट से इसको मारा है। ऐसे नहीं कि सब लोग ने मिलके मारा है भाई, फुल चांस दिया था इसको, बट माइकल होता है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सिग्मा माइकल लिख दो, मतलब माइकल लिख दो, ओपी लिख दो, या माइकल ग्रेट लिख दो, या रिस्पेक्ट लिख दो गाइस, तो मुझे समझ आएगा मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। और हमारा सबसे बड़ा वाला विलन का गेम ओवर किया है हम लोग ने मिलके, मतलब चलो अब इसको अलविदा कहते हैं और इसके ना टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मतलब टुकड़े ये हो सकेंगे पके नहीं, बट एक छोटा सा ब्लास्ट करते हैं और इसका ना गेम ओवर करते हैं बिल्कुल ही गाइस, गेम ओवर। चलो भाई तुम पीछे आ जाओ फटाफट से ना, इसका गेम ओवर है और गया। अरे आराम से भाई, दूसरे बंदे भी मर गए मेरे। और गाइस ये बिल्कुल ही ना गेम ओवर हो चुका है और बिल्कुल ही ये बंदा मर चुका है, बिल्कुल ही इसका ना गेम ही एंड हो चुका है भाई। देख रहे हो पूरा का पूरा ना भाई, क्या ही सीन हो चुका है इसके साथ, बिल्कुल ही भाई साहब डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो गाइस सबसे खतरनाक वाला हमारा एनिमी का गेम ओवर है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है डगन बॉस। सो गाइस तो डगन बॉस को ख़त्म करना है तो यार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करना ना भूलें,
और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए गाइस सभी को बाय बाय।